एकेडमी, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। ये रीडिंग हो रहा है कैंसर राशि के लिए, कर्क राशि के लिए। 20 नवंबर 2020 को गुरु ट्रांजिट हो रहे हैं मकर राशि में, डेबिलिटेटेड होंगे वहाँ पर, लेकिन सैटर्न के साथ होकर वो कुछ अच्छी चीजें हमें देने वाले हैं। सो लेट्स चेक फ्रॉम टैरो रीडिंग कैंसर राशि के लिए मकर राशि का ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट मकर राशि में क्या रिजल्ट देने वाला है। सो बेसिकली गुरु जो प्लैनेट है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है और मेन चीज़ें जो हैं, करियर है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब गुरु देते हैं, गुरु प्लैनेट देते हैं, वो ज्ञान के कारक है। मकर राशि में आकर वो सिखाते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप बहुत पेशेंस रखो और रिजल्ट का अब मत सोचो, आप आपके एफर्ट्स डालिए और रिजल्ट्स के लिए, फल के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ये हमको डेबिलिटेटेड गुरु सिखाते हैं। सो कैंसर राशि वालों के लिए सबसे जो पहला कार्ड आया है कि आप घर के बड़ों का रिस्पेक्ट जरूर करें। माता पिता भी गुरु के समान होते हैं, आप गुरु का भी रिस्पेक्ट करें, माता पिता का भी रिस्पेक्ट करें। और कैंसर राशि वालों का जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो 7th हाउस में आता है, वहां से गुरु डायरेक्ट दृष्टि आपके पर्सनालिटी पे डालते हैं। तो आपका बिहेवियर आपके माता पिता के साथ कैसे है, आप उनके साथ किस टोन में बात करते हैं, कौन से वर्ड्स आप यूज करते हैं, इससे लोग आपको जज करने वाले हैं। सो कैंसर राशि वाले, अपने माता पिता को भी आप उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितने आप आउटसाइडर्स को देते हैं। आपके पास प्रॉस्पेरिटी बहुत आने वाली है और ग्रुप में मिलकर आप काम करने वाले हैं, आपकी विजडम बढ़ने वाली है, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है और जिससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। ग्रुप एनर्जीज पर आप ध्यान दें, आपका करेज बढ़ने वाला है और आपके जो भी फैमिली रिलेटेड, डोमेस्टिक हैप्पीनेस रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे वो आपको नेगेटिव दिखेंगे, एक सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी आपको दिखेगी, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगी वो बहुत पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट आपके लव अफेयर के लिए नेगेटिव कार्ड आया है कि आपका ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, आप इन्वेस्टमेंट से बचें, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट्स करें और जो शेयर्स वगैरह में अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसमें भी आप बहुत संभल कर रहे हैं। हेल्थ के लिए आप कुछ रॉन्ग डिसीशंस को ले सकते हैं, कोई फास्ट शॉर्टकट आपको नहीं लेना है, आप हो सके तो आप आयुर्वेदिक का सहारा लें, हो सके तो आप होम्योपैथी का सहारा लें। और जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं आप ऐसे नहीं सोचें कि इसका रिजल्ट फास्ट आए, स्लो एंड स्टेडी आपका रिजल्ट आए वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि जुपिटर सैटर्न के साथ है तो रिजल्ट्स को थोड़ा स्लो करते हैं। और आपके लोन्स वगैरह जो है वहाँ पर आप बैलेंस्ड माइंड रखेंगे, आपके जो हेल्थ इश्यूज है वहाँ पे भी आप बैलेंस्ड माइंड रखेंगे, लेकिन रिकवरी की जल्दबाजी आप नहीं करें। आपका जो मैरिटल हैप्पीनेस है वो पॉजिटिव होने वाला है, आप ट्रैवल करने वाले हैं आपके पार्टनर के पास या आपके पार्टनर आपके पास ट्रैवल करने वाले हैं। और जैसे यहाँ पर ग्रुप एनर्जी का कार्ड आया तो पार्टनरशिप में आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है, लेकिन आपको रिजल्ट्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मैरिटल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ये हमें गुरु बता रहे हैं, टैरो बता रहे हैं। और टू ऑफ कप्स कार्ड है तो ये हमें बताता है कि आपको पार्टनर का बहुत साथ रहेगा, इन-लॉज का बहुत साथ मिलेगा और आपकी अगर कुछ पेरेंट्स से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी काम आपके पार्टनर की मदद से बहुत जल्दी होंगे। आप लॉन्ग टूर्स के लिए, रिलीजियस टूर्स के लिए जा सकते हैं, आप रिलीजन के लिए कुछ कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर सकते हैं, कोई धार्मिक प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं। आपका नॉलेज आप जरूर अपग्रेड करने वाले हैं कैंसर राशि। आपकी जो करियर है वहां पर जो चीजें आप ग्रांटेड ले रहे थे, मे बी आपकी ऑफिस है आप टाइम पर नहीं जा रहे थे, आप काम किसी और पर थोप कर आप निकल आ रहे थे ऑफिस में से, तो ये कार्ड दिखाता है कि आप अभी जवाबदारी पूरी संभालेंगे, अपने रेपुटेशन का भी आप ख्याल रखने वाले हैं। कैंसर राशि वाले,
आप बहुत ही लॉजिकल रहने वाले हैं एज लॉन्ग एज अर्निंग इज कंसर्न्ड। तो आपका जो अर्निंग होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है किसी के ऊपर। जब आपका बिजनेस की बात आती है तो आपको कंपैशन नहीं रखना है, आपको बहुत ही लॉजिकल बनना है। सबकॉन्शियस जो है आपका, आपके वहां भी आप बैलेंस्ड रहेंगे और फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है आपके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि रिलेशनशिप का, वहां पर आपके अगर ब्रेकअप भी होता है तो उसमें भी कुछ आपको सीखने को मिला है, ऐसा समझकर आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप गुरु के उपाय करें, जैसे आप नहाते समय हल्दी डालिए पानी में, आप पीले वस्त्र जो है वो दान कीजिए, और आप पंचमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आप घर का जो नॉर्थ ईस्ट है उसे क्लीन रखें, उसे लाइट रखें, मेक श्योर कि वहाँ पे कोई स्टोर नहीं हो, कोई चीज़ें जमा नहीं है वहाँ पे। और आप सिट्रीन क्रिस्टल रफ फॉर्म में आप घर के नॉर्थ ईस्ट में या तो फिर आपके ऑफिस टेबल पर, आपके वर्क प्लेस पर रख सकते हैं सिट्रीन, वो भी जुपिटर प्लैनेट को मजबूत करता है। येलो सफायर आप पहन सकते हैं, और आप पीपल के पेड़ को डेली पानी दे सकते हैं, इससे भी आपका जो गुरु प्लैनेट है वो मजबूत होगा। आपको एल्डर्स को रिस्पेक्ट जरूर करना है, इनफैक्ट आपको लेडीज को भी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि गुरु के लिए रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। और बेसिकली डिसिप्लिन, सैटर्न जुपिटर जो कॉम्बिनेशन है ये 60 बरस में एक बार आता है। जो लास्ट आया था जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन वो 1960 में आया था, और तब उसके बाद काफी रिवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद अब 2020 में आया है और हम देख रहे हैं कि कैसे लाइफ जो है वो चेंज हो गई है। बच्चों के पढ़ाई करने का मेथड, हमारा आपस में कम्युनिकेशन करने का मेथड, बहुत से चेंजेस, बैंकिंग के मेथड्स आप देखेंगे सब चेंज हुए हैं। तो ये रिवॉल्यूशन का टाइम है, हार्डवर्क का टाइम है। सैटर्न जो है हमें हार्डवर्क सिखाते हैं, सैटर्न हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो एट प्रेजेंट आप जो भी काम कर रहे हैं, टैरो आपको एडवाइस दे रहा है कि आप उसमें कंसिस्टेंट रहें और आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिलेगा, पर थोड़ा लेट मिलेगा सैटर्न की वजह से। लेकिन आप आपके एफर्ट्स को बंद नहीं करें। जो डेबिलिटेड जुपिटर है, मकर राशि का जुपिटर है, वो हमें नेगेटिव बनाता है थिंकिंग में। हम उम्मीद खो डालते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम लकी नहीं हैं, हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ हार्डवर्क हो रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है। नकारात्मक थॉट्स बहुत आते हैं हमारे अंदर, तो आपको बिल्कुल भी वो थॉट्स नहीं लाने हैं। जैसे टैरो ने यहाँ पर दिखाया कि आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, आपके फ्रेंड्स की मदद से, ग्रुप एनर्जी की मदद से, आपका जो गट फीलिंग है, करेज है, वो पॉजिटिव होने वाला है। घर पे दिखेगा कि डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। ब्रेकअप भी हो रहा है तो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। और आप हेल्थ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जल्दबाजी नहीं करें, ऐसी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएं जहां पर आपको फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और वो रिपीट हो रहे हैं चीजें, आपके रिपीट डिजीजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपका मैरिटल हैप्पीनेस दिखाता है, बहुत अच्छा है। इन-लॉज का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, कोई केस वगैरह है लिटिगेशन वगैरह का, वो भी पॉजिटिव होने वाला है। आप पब्लिक लाइफ में अपने रेपुटेशन के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। और एक चीज, जुपिटर जो है वो सेक्रीफाइस का प्लैनेट है, तो आपको अगर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए तो आप जरूर करें। इनकम के लिए आपको फ्रेंडशिप को पीछे रखना है, और आपके जो हक का पैसा है वो आपको लेना है, ये भी गुरु सिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्रेंडशिप को भी आपको सेक्रीफाइस करना है। वही फ्रेंड्स आपके रियल फ्रेंड्स हैं जो आपके पास पैसे को आते देखकर खुश होते हैं। वो फ्रेंड्स जो बोलते हैं फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस दो और पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद कमा रहे हैं आपको नहीं कमाने दे रहे हैं, वो फ्रेंड्स नहीं है आपके। तो आपको ये चीजें डिस्टिंग्विश करने आने चाहिए। और आपको जो कैंसर राशि वाले हैं वो बहुत भावुक होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी लोगों के कहने में आ जाते हैं, तो इसीलिए ये मैसेज उनके लिए आया है कैंसर राशि के लिए।
और आप सबकॉन्शियसली भी खुद को बैलेंस करें। और आपके लिए एंजल मैसेज है कि फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करना है। पास्ट में आपने किसी को हर्ट किया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो आपको उन्हें फॉरगिव करना है। बिकॉज अगर हम फॉरगिव नहीं करते हैं तो जो ग्रज है वो हमारे एनर्जीज को ब्लॉक रखते हैं, तो इससे कई चीजें हमारे पास आने से रुक जाती हैं। तो हमें फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करके उन सब ब्लॉकेजेस को निकालना है ताकि चीजें आपकी तरफ फ्लो में आए। कैंसर राशि वालों को लॉर्ड शिवा को भी वर्शिप करना चाहिए ताकि उनका जो मून है, आपका जो मून है वो और पॉजिटिव हो, आपका विल पावर पॉजिटिव हो। मैं और एक मैसेज आपके लिए निकाल रही हूँ डिवाइन कार्ड्स में से। सो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स किसकी इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर हमें मैसेज आया है, श्रावण का मैसेज है, एंड हियर इट सेज एवरीथिंग इन लाइफ बेनिफिट्स एज यू सर्व योर पेरेंट्स। सो आप देखोगे यहाँ पर श्रावण और जो फर्स्ट कार्ड हमें टैरो का मिला कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो एंजल कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स जब तक गुरु जो है वो मकर राशि में है, शनि के साथ है, शनि को डिसिप्लिन पसंद है, तो 3 महीने आप अपने पेरेंट्स को अपने सर के जैसे, अपने बॉस के जैसे ट्रीटमेंट देके देखें और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखें। सो आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।